पिछले दिनी गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्नू दा पुलिस मुकाबले दौरान पुलिस कर्मियों के जख्मी होने तो बाद ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के आगू मनजिंदर सिंह बिट्टा अमृतसर के अमनदीप हस्पताल विखे जख्मी हो पुलिस कर्मचारियों का हाल चाल जानन पहुंचे और उन्हों का हौसला अफजाई कर पत्रकारों गलबात करते उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो साढ़े राजनीतिक लोगों दिया गलतियां भोले पाले लोग जो कि गैंगस्टर बन रहे हैं इस पूरी दुनिया के उन्होंने ग्रुप बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझदा कि पुलिस ने बहुत बहादुरी का काम पिंड भकना विखे किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब दी सारी राजनीतिक पार्टियां कहा कि गैंगस्टर खत्म करने लिए सानू सब तो एक मंच से होकर युद्धबंदी करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि हुण साबित हो चुका है कि गैंगस्टर दीयां तारां विदेशों में भी जुड़िया हुई हैं। इस नाल ही उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों भी पिछले दिन एक बयान दिता गया सी हर सिख नौजवान हथियार रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर सिख नौजवान हथियार रखेगा तो अजे हालात पैदा होंगे। इस उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय दौरान जिन्हों सिंह वजों नाजायज ही लोगों के कतल किए गए नाजायज ही लोगों को मारिया गया असी उन्होंने बंदी सिंह कहते हैं और उन्होंने छड़ाने अकाली दल धरने ला रहे हैं जो कि माड़ी गल। इस बोलते अगे उन्होंने कहा कि जो जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब का बयान है कि गुरुद्वार के बाहर बंदी सिंह के पोस्टर लगाए जा उसके बोलते उन्होंने कहा कि बंदी सिंह के पोस्टर जरूर लगाओ लेकिन उन्होंने उपर लिखा जाए यह बंदी सिंह है बेगुनाहे लोगों के मौत से सौदागर। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट लाइव भारत। दसो मैं जेडे बहादुर जवाना ने मौत का कफन बन के हुण गैंगस्टरां का मुकाबला किया तो उन्होंने गोलियां लगियां उन्हां दा हाल पुछण लई आया। बड़ी मुश्किल असी सारिया ने पंजाब च अतवाद नूं ठीक किया ये पिछले काफ़ी समय तो साडे राजनीतिक लोगों दीयां गलतियां दे नाल गैंगस्टर बने अज पूरे देश दे विच पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान च दुनिया दे विच उन्होंने एक ग्रुप बन गए। अज सब तो वड्डा जिहड़ा पुलिस ने बहादुरी का काम किया इहदी मैं शलांघा करदा सारी पोलिटिकल पार्टियां नूं कहना इन्हां दे खिलाफ असी लामबंद होईए असी लोगों ने नुमाइंदे असी पंजाब की अमन शांति लई एक दूजे नाल राजनीति ना करिए क्योंकि यह साबित हो गया कैनेडा अमेरिका जर्मनी तो तारां जुड़ियां ने और सानू यह भी सोचना पएगा इंटैलीजेंस एजेंसियां नू सरकारां नू सेंटर दियां स्टेट दियां इंटैलीजेंस एजेंसियां नू कि कुछ इत्थे जिम्मेदार लोग तो नहीं को दिल्ली च बैठे होण को पंजाब च बैठे होण जिहड़े उन्हां नू उत्थे कहण भी इत्थे आ वारदात करदे हो हालात खराब होण ये चीज़ां बड़ियां ध्यान रखण दी लोड़ है सानू। वो छुपे रुस्तम मजे नाल बड़ियां बड़ियां गड्डियां दे विच घूमदे रहन ते इशारे करदे रहन विदेशां च अगे मैसेज दे दिओ क्योंकि 50,000 तो इन्हां दी कीमत पैगी 20,000 कीमत पैगी को गुजरात को पूना तो कितों कितों फड़े जा रहे हैं। ये भी बड़ा इंटैलीजेंस एजेंसियां नू सरकारां नू ध्यान रखण दी लोड़ है इहदे विच साडे पंजाब नू बदनाम करन लई को जिम्मेदार लोग तो नहीं को मुअज्ज़ज़ लोग तो नहीं जिहड़े बाहर विदेशों बैठे जिन्हां दीयां तारां जुड़ियां होण वो इत्थे बैठे रहन वो अपना कारा करन और पंजाब दे विच दहशत फैलाउण ये गल दी सानू सेंटर स्टेट दीयां इंटैलीजेंस एजेंसियां नू इहदे लई बहुत वड्डी निगाह रखण दी लोड़ है। मैं खास तौर पर तुहानू गल कह रहा सर गोल्ड ब्राड दे वल्लों हमेशा आडियो एक जां वीडियो जिहड़ा क्लिप जारी कीता गया पर प्रशासन दी कितने इहदे ढेरे लग रही है कि जिहड़ा देखो एक गल मेरी समझ लो सरकार किसे दी होवे प्रशासन दा की काम पुलिस ने मुकाबला तुहाडे सामने कीता नहीं जे नहीं कीता तो दसो किन्नी देर मुकाबला चलिया पहला क्यों ना मुकाबला कदी होया पहला क्यों ना मुकाबला आया अगर पहले सरकारां इहदे ते जोर दिंदियां अज ये हालात होंदे सी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नूं निभाया पुलिस नूं आपां ढिल्ला किवें कह सकते हैं जवान सामने ने गोलियां लगियां पुलिस नूं आपां गलत किवें कह सकते हैं पुलिस दा पब्लिक किन्ना साथ दिंदी दसो पुलिस दा राजनीतिक लोक किन्ना क साथ दिंदे दसो हर गल ते तां मुद्दा बनाया जांदा हुण जे आपां अमृतसर दी गल करिए अकाल तख्त साहब दे जिहड़े अपना साडे जथेदार साहब उन्हां दे अगे असीं सिर झुकाउने आ अगर जथेदार साहब ने कहना शुरू करता मुंडे हथियार चुक लो तो तुसीं दसो फिर आपां कित्थे खड़े हैं तो पोलीटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोलदियां। एक मिनट जिहड़े जिन्हां लोकां ने पंजाब दे विच बेगुनाहां दा कतलेआम किया
जिन्हां ने पंजाब च बेगुनाहां दा कतलेआम किया, भैणां दे सुहाग उजाड़े, बच्चे यतीम किए, खून दीआं नदियां वखाईआं, ढेरां दे ढेर बसां चों लाह के साडे भरावां नूं उन्होंने मार दिता। उन्हां नूं कहिंदे ने बंदी सिख, दिल्ली च मारदे ने धरना, ते पंजाब अमणी शांति कौन दऊ? बेगुनाहां दे कातल किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी मजहब के होण, बेगुनाहां दे कातल बेगुनाह ने, उन्हां नूं मार के ते कहिंदे ने उन्हां नूं छड्ड दिओ, बंदी सिख बना दिओ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਰਛੂਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਖੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ, ਲੰਗਰ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ।